सर दिन में कोई मामला आया जिसमें हिरण को लेकर कोई मानसिक मामला? हाँ, आज हमारे यहाँ पे एक सूचना मिली थी कि नाना निवासी फाइलवाड के पास में अवैध रूप से हिरण का मांस रखा हुआ है। उस सूचना पे हमारे द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए स्टाफ को भेजा गया, टीम बनाई गई, उसके घर में रेट डाली गई, जो वो सामान मांस का, हिरण का मांस था, उसको बेचने की फिराक में था। मौके पे हमारे द्वारा उसको जब्त किया गया तो कुल वजन उसके पास में 20 किलोग्राम पाया गया। मौके पे उससे पूछताछ की गई, जिसने ये बताया कि अपने साथी इज्जी पटेल, जिसका नाम रियाजत अली भी है, जो वहाँ देव कॉलोनी का निवासी है तरदा का ही, उसके साथ में उसने कल रात्रि को अपने एयर गन, जो एयर गन को उसने मॉडिफाइड करके .22 कारतूस जिसमें आ जाती है, उसके द्वारा हिरण का शिकार किया और अपने साथ ले गए चाकू से उसके द्वारा मांस काट कर अपने साथ वापस लिया है। तो किस क्षेत्र की घटना है ये? अब हमारे थाना क्षेत्र में माना मिला है, तो ये हमारे थाना क्षेत्र की घटना है, लेकिन उन्होंने शिकार सिविल थाना क्षेत्र में किया है, सुखरास नहर के पास में। वहाँ पे उन्होंने जो भ्रमण करते हुए 2 हिरणों का शिकार किया और उनको फिर मिलने पे वहीं पे उनका मांस काट कर अपने पास ले आए और दोनों आरोपियों ने मांस को अपने हिस्से में बांट लिया था। आरोपी समीर उर्फ नाना के पास में 20 किलो मांस मिला है और एजी पटेल जो कि उसके घर में गए थे वो फरार हो गया था, लेकिन उसके हमारे घर के पास में 15 किलो हिरण का मांस मिल गया है, जिसको हमने जब्त कर लिया। विश्व समाज के लोग भी थाने आए थे? हाँ, वो लोग भी हमारे पास आए थे, जो उन्होंने कार्रवाई की वो लेके मांग की थी, उन्होंने हमने उनको पूरी कार्रवाई से अवगत करा दिया है, संपूर्ण घटनाक्रम बताया है और उन्होंने हमें धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। और